हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको कोरल ड्रॉ में एक इलीगल सॉफ्टवेयर का एरर आ रहा है और उस एरर को हम कैसे हटाएंगे, और उस एरर के साथ अगर हमारा कोरल ड्रॉ ओपन हो भी जाता है तो उसमें फाइल्स जो है ओपन हो तो जाती हैं लेकिन सेव नहीं होती। जैसे कि आप स्क्रीन पर ये इमेज देख पा रहे हैं कि जैसे कि कोरल ड्रॉ अगर हम ओपन कर भी लेते हैं, उसमें अपनी फाइल को वो बना भी लेते हैं, तो उसके बाद वो सेव नहीं होती है। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं यहाँ सेव और सेव एस और सेव एस टेम्पलेट, इन सब पे लॉक लगे हुए हैं, ये काम नहीं कर रहे हैं। और जब हम सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं या क्लोज़ करते हैं तो उसके पहले ये इलीगल सॉफ्टवेयर का SMS हमारे SMS जो है डायलॉग बॉक्स ओपन होकर हमारी स्क्रीन पर आ जाता है। तो इसे हम कैसे ठीक करेंगे, तो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा आगे। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम पर मिल पाए। तो दोस्तों, बिना देरी करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसके लिए हमें अपने कोरल ड्रॉ को अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। अनइंस्टॉल करने के बाद हमें इसको दोबारा से इंस्टॉल करना पड़ेगा, और इंस्टॉल करते में हम एक दो मिस्टेक कर देते हैं जिसके कारण ये प्रॉब्लम हमें बार बार फेस करनी पड़ती है। तो दोस्तों, आज मैं आपको उन्हीं प्रॉब्लम्स के बारे में बताऊंगा जो इंस्टॉल करते में हमें जो गलतियां नहीं करनी है उनके बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें अपना कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर है उसको अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हम अपने सॉफ्टवेयर को यहाँ से अनइंस्टॉल कर लेते हैं। ये हमारा सॉफ्टवेयर है, इसको हम सिंपली यहाँ से अनइंस्टॉल कर देते हैं। अनइंस्टॉल करने के लिए सिंपली एक कंट्रोल पैनल में आके हमें यहाँ से प्रोग्राम एंड फीचर्स में आके हमें जो हमारा कोरल ड्रॉ ग्राफिक्स सूट X6 है जो उसको अनइंस्टॉल करना है। अनइंस्टॉल करने के बाद हमें यहाँ से रिमूव पे और रिमूव यूज़र फाइल इन पर क्लिक करके इसको कम्प्लीटली रिमूव कर देना है। ये थोड़ी ही देर में रिमूव हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो बाकी आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर है कि ये कितने स्पीड में काम करता है। तो ये कम्प्लीटली रिमूव होता है, तो उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ उस वीडियो में कि हमें इसको दोबारा से इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल करते समय किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। तो दोस्तों, ये सॉफ्टवेयर हमारा यहाँ पे लिखा गया है द इंस्टॉलेशन बाय सक्सेसफुल, मतलब ये हमारा यहाँ से कम्प्लीटली रिमूव हो चुका है। तो यहाँ से हमें सिंपली इसको फिनिश कर देना है। फिनिश करने के बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये यहाँ से हमारा कोरल ड्रॉ का जो नीचे जो वर्जन था वो अनइंस्टॉल हो गया है। आप चाहें तो इसको भी अनइंस्टॉल कर सकते हैं, वरना इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपली हम अपने सॉफ्टवेयर को दोबारा से इंस्टॉल करेंगे। दोस्तों, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने से पहले हमें इन इन बातों का ध्यान रखना है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमें अपने इंटरनेट को क्लोज़ करना है। अगर आपका सिस्टम इंटरनेट के कनेक्शन में है तो आपको उसको डिसकनेक्ट करना है, जिससे कि हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर में इंटरनेट का कनेक्शन नहीं आ पाए। उसके बाद हमें यहाँ पे एंटीवायरस है जो हमारे लैपटॉप या सिस्टम में डला हुआ है उसको कुछ समय के लिए डिसेबल कर देना है, क्योंकि हम इसको क्रैक करेंगे कीजन से तो वो सॉफ्टवेयर जो एंटीवायरस है वो उसको परमिशन दे एक्सट्रैक्ट होने के लिए। तो हम इसको 15 मिनट के लिए डिसेबल कर देते हैं अपने एंटीवायरस को। डिसेबल करने के बाद हमें सिंपली अपने कोरल ड्रॉ के सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेना है। तो कोरल ड्रॉ का 16 वर्जन है हमारे पास, 70 भी है, तो अभी हम 16 को इंस्टॉल करेंगे। तो इसमें इंस्टॉल करने के लिए सिंपली हमें इसके सेटअप पे क्लिक करना पड़ेगा। इसका सेटअप जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, इसका सेटअप है, इस पर सिंपली डबल क्लिक करना है और इसको इंस्टॉल करने के लिए हमें आगे प्रोसेस करना है। तो ये दोस्तों आगे इस ये प्रोसेस लेने के लिए तैयार हो गया है। अब ये थोड़ी ही देर में यहाँ इंस्टॉलेशन की प्रोसेस इसमें होना चालू हो जाएगी। तो ये जैसे ही कंप्लीट होती है मैं आगे बता देता हूँ इसको। और दोस्तों, सिंपली हमें यस कर देना है। यस करने के बाद ये यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा इंस्टॉलेशन के लिए। उसके बाद हमें यहाँ सिंपली आई एक्सेप्ट द टर्म इन द लाइसेंस एग्रीमेंट पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और उसके बाद हमें यहाँ पे आई हैव ए सीरियल की पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे सीरियल की डालना पड़ेगी। तो उस सीरियल की को हम यहाँ से कीजन से फाइंड करेंगे। ये कीजन है हमारे पास, कीजन को सिंपली यहाँ ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हमें यहाँ से अपने सॉफ्टवेयर के वर्जन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। हमारे पास कोरल ड्रॉ ग्राफिक्स सूट X6 है, तो हमें यहाँ से क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो भी सीरियल की लिखी आएगी इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद हमें इसको कोरल ड्रॉ को यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है। सिंपली पेस्ट करने के बाद
हमें यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आप पूरे कोरल ड्रॉ को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो कर लीजिए, अदरवाइज़ आप इसको कस्टम भी कर सकते हैं। कस्टम से ये है कि आपके अगर काम के जो जो सॉफ्टवेयर हैं उनको रख सकते हैं, अदरवाइज़ आप सभी सॉफ्टवेयर को हटा सकते हैं। हमें सिर्फ कोरल ड्रॉ को ही यूज़ करना है, बाकी कोरल ड्रॉ फोटो पेंट वगैरह को यूज़ नहीं करना है। तो हम इनको अनटिक करके नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अगर आपको इसकी गाइड बुक है वो चाहिए तो आप रख सकते हैं, मुझे नहीं चाहिए तो मैं हटा देता हूँ। बाकी आप उसको एडिशनल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे ओके रहने दीजिएगा, ये आपके आगे काम भी आ सकता है। तो इनको सिंपली हमें नेक्स्ट कर देना है, और सिंपली इस बात का हमें ध्यान रखना है कि ये जो दो चीज़ें हैं, दो में से अलाउ प्रोडक्ट अपडेट है, इसको हमें यहाँ से अनचेक करना है, जिससे कि जब भी हमारा सिस्टम इंटरनेट से कनेक्ट हो और हम अपने सॉफ्टवेयर को ओपन करें तो ये इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो, क्योंकि कुछ लोग इसको यहाँ से चेक कर देते हैं और फिर सिंपली इसको इंस्टॉल करते हैं और आगे चल के इनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इसको इंस्टॉल करने के लिए हमें यहाँ पे इसका लोकेशन देना पड़ेगा। सिंपली बाय डिफ़ॉल्ट ये सी ड्राइव में इंस्टॉल होता है, लेकिन अगर आप तो चाहते हैं सी ड्राइव में इंस्टॉल नहीं करना है तो आप यहाँ पे उस ड्राइव का नाम दे सकते हैं। जैसे कि मुझे इस ड्राइव में ई ड्राइव में इंस्टॉल करना है तो मैं इसको ई ड्राइव का पाथ दे दूँगा और उसके बाद सिंपली इंस्टॉल नाम पर क्लिक कर दूँगा, तो ये कुछ समय में इंस्टॉल हो जाएगा। तो बाकी जो इंस्टॉल होता है तो मैं आपको और भी वीडियो में आगे बताता हूँ, तो थोड़ा आप वेट करिए। तो दोस्तों ये हमारा यहाँ पर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। इसके बाद हमें सिंपली फिनिश कर देना है, और फिनिश करने के बाद हमें अपने कोरल ड्रॉ को इंस्टॉल यहाँ पे सिंपली उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद इसका जो वेलकम पेज आएगा इसको हमें कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद एक मिनट, इसको हमें सिंपली यहाँ क्लोज़ कर देना है दोस्तों, कंटिन्यू नहीं करना है। क्लोज़ कर देंगे तो ये हमारा सॉफ्टवेयर ओपन होने लगेगा। ओपन होने के बाद ये इसका वेलकम पेज रहता है। वेलकम पेज के यहाँ बगल में हमें अपडेट का एक ऑप्शन मिलेगा, तो उस पर हमें सिंपली क्लिक करना है और सेटिंग्स पर जाना है। सेटिंग्स पर जाने के बाद हमें ये दोनों चेक बॉक्स हैं इनको अनचेक करना है। अगर ये दोनों चेक रहेंगे तो आपको इन सिंपली यहाँ से अनचेक करके इसको क्लोज़ करना है, और यहाँ से क्लोज़ करके कंट्रोल एंड बटन प्रेस करेंगे तो ये हमारा वर्किंग सीट जो है काम करने के लिए तैयार हो जाएगी। उसके बाद आप सिंपली यहाँ फाइल पर जाके देख सकते हैं कि अब ये फाइल जो है हमारी सेव हो सकती हैं। यहाँ पे जो ऑप्शंस थे लॉक दिखा रहे थे तो वो अब ओपन हो चुके हैं। आप सिंपली यहाँ से अपनी फाइल को जहाँ पर भी सेव करना चाहते हैं डेस्कटॉप वगैरह पे सेव कर सकते हैं। उसके बाद आपको मैं आगे बताऊँ दोस्तों कि इसको दो तीन बार जब हम ओपन करते हैं कोरल ड्रॉ को तो इसमें एक ऑप्शन आता है कनेक्ट का, जैसे कि अभी ये इस तरह का ऑप्शन आ रहा है, वो आगे दो तीन बार आप जैसे ही उसको ओपन करोगे उसमें ऑप्शन आने लगेगा, ये कनेक्ट का ऑप्शन है। अभी हमने इंटरनेट हटा दिया है तो ये होगा भी नहीं अगर हम इसको करेंगे तो सिंपली इसको ये डू नॉट डिस्प्ले दिस अगेन ऑप्शन आ रहा है, इसको आप इसको चेक कर देंगे तो ये ऑप्शन आपको बार बार नहीं दिखाएगा। उसको सिंपली हम क्लोज़ कर देते हैं। क्लोज़ करने के बाद ये कोरल ड्रॉ हमारा सिंपली ओपन हो जाएगा, तो आप इसको ऐसे काम कर सकते हैं इसमें आगे। तो दोस्तों ये कोरल ड्रॉ हमारा यहाँ पे सिंपली अच्छे से वर्क कर रहा है। दोस्तों जब आप इसको इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे तो इसमें एक ऑप्शन और आ सकता है, इसका इंस्टॉलेशन की वगैरह मांग सकता है, तो वो मैं आपको आगे बता दूंगा कि ये इसमें कैसे होता है। मैं भी करके भी देख लेता हूँ अभी इसको इंटरनेट से कनेक्ट, अगर ये ऑप्शन अभी मांगता है तो मैं भी आपको इस वीडियो में करके दिखा दूंगा। तो दोस्तों मैंने इसको कोरल ड्रॉ को दो तीन बार ओपन करके देख लिया है इंटरनेट कनेक्ट करने के बाद, तो दोस्तों ये ऑप्शन जो है वो अभी नहीं आ रहा है, इसमें नहीं मांग रहा है। लेकिन दोस्तों इसमें जो भी है अगर आगे एक्टिवेशन की मांगता है तो आप सिंपली जो हमने सीरियल की थी उसको यहाँ डाला था, और इंस्टॉलेशन की हमें यहाँ से मिलेगी इसको ओपन करने के समय जब ये कनेक्ट होगा इंटरनेट से, तो इंस्टॉलेशन की हमें यहाँ डालना है। उसके बाद हमें यहाँ पे जनरेट एक्टिवेशन की को क्लिक करना है, तो यहाँ पे हमें की आएगी उसको कॉपी करके हम वहाँ पेस्ट कर देना है, उसको नेक्स्ट करेंगे तो ये हमारा जो प्रॉब्लम है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।